हो रहा है, क्या घटना हुआ है? आज 3 महीना होने को है ये घटना का। किस घटना का? मर्डर हुआ है मेरे भाई साहब का। आपके भाई का मर्डर हुआ? मेरे भाई साहब। क्या नाम था उनका? उमेश कुमार नाम था। वो कस्टम से रिटायरमेंट थे। वो जो 21 या 22 जून की घटना है ना? 21 जून को घटना जी। आज लगभग 3 महीना हो गया लगभग जी। आज तक प्रशासन से एक भी कार्य नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हुआ है। बाढ़ से इश्तिहार भी आ गया है कुर्की का जी, आज तक चिपकाया नहीं गया। 5 दिन हो गया है। एसपी साहब भी आ चुके हैं, इन्होंने भी बोला था कि कुर्की करने के लिए, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर एसपी साहब के पास हम एक बार नहीं दर्जनों बार जा चुके हैं, थाना भी गए। एसपी साहब भी वहां से फोन करके थाना को सूचित किया गया कि FIR मतलब पकड़ा जाए। थाना भी कहा कि हम 10 दिन के अंदर सर हम पकड़ लेंगे अपराधी को, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। अब नहीं हो पाया है तो हम लोग क्या करें? हम लोग को न्याय चाहिए। मतलब घटना के 3 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने बीत चुके हैं जी। 3 महीने बीत चुके, आज तक कुछ नहीं हुआ। थाना भी जाते हैं, हम कर रहे हैं। एसपी साहब के पास जाते हैं तो तुरंत थाना को फोन करते हैं, लेकिन ये हत्या क्यों कर दी गई? क्या उद्देश्य था हत्या का? ये लोग जरा सा अपराधी किस्म का लोग है जी। मतलब हत्या का कारण क्या था? ऐसे ही कोई किसी का तो हत्या नहीं कर रहे, कुछ तो जरूर हुआ। हम जरा सा हाथ बोट देखते हैं फिर सेवा देते हैं जी। और वही सुबह सुबह में आया लड़का कि जरा सा हमारा पैर देख लीजिए, हम गाय लगा रहे थे तो हाथ गंदा था। हम बाहर निकल के बोले दरवाजे पर कि जरा सा हम गाय लगा रहे हैं, हम अभी नहीं देखेंगे जी। उसके बाद हम अंदर जाने के जा रहे थे, इतने में वो नीचे उतरा, उसके बाद गाली कुछ दिया। हम समझ नहीं पा हम इतना कहे क्या बोला, इतने में हमारा भाई साहब जो है सुन लिए कि गाली दिया। वो बोले कि रे काहे बोल रही, काहे गाली दे रे। तो भाई साहब को भी गाली देने लगा। उसके बाद वो बोला कि हम बता देते हैं तुम लोगों को। उसके बाद 6-7 लड़का को लेकर आया घर पर, हम लोग चल गए थे खेत। उसके बाद जब आए तो सुने तो हम गए उसके पिताजी को कहने के लिए कि बेटा आपका ऐसे ऐसे किया। उस समय बेटा निकल के तुरंत हम पर हाथ चला दिया। उसके बाद फिर बात भी थी, हाथ जोर हाथों बाही करने लगा। उसके बाद फिर करते करते मामला शांत हुआ। शांत होते होते अभी हुआ ही नहीं था, उसके बाद 6-7 लड़का बाहर से बुला के उसके बाद इतना घटना को अंजाम दिया। तो जो मृतक जिनकी हत्या की गई थी उनका क्या नाम था? उमेश कुमार। FIR आप ही के द्वारा किया गया? नहीं, हमारा भतीजा के द्वारा किया गया। क्या नाम है उनका? अभिषेक कुमार है। वो यही घर में है? हाँ घर में है। तो क्या प्रशासन ASP सर से मिलने के बाद भी प्रशासन से उस टाइप का सहयोग नहीं मिल रहा है? कोई किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा जी, आज तक नहीं मिला। कुमार हुआ जी, मेरे पिताजी की हत्या आज से लगभग 3 महीने पहले 21 जून को हो चुकी है, लेकिन थाना के द्वारा आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया, कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। वो लोग पहुंच वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा डर के हमको रहना पड़ता है बाहर निकलने में। ये तो बताया ना आपके चाचा जी कि SP सर खुद यहाँ पहुंचे थे ना? जी हाँ जी, SP सर पहुंचे थे, उन्होंने कार्रवाई के लिए थाना को आदेश भी दिया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाया जी। हम लोग को निकलने में भी डर लगता है क्योंकि वो सब थोड़ा आतंकवादी किस्म का लोग है जी, इसलिए बाहर निकलने में भी डर लगता है। बहुत लोगों से हम लोग सुन चुके हैं कि मतलब घर से बाहर निकलना नहीं है, इसलिए घर में ही रहना पड़ता है। मतलब घर से बाहर आप निकलते ही नहीं? घर से डर के निकलना पड़ता है, एक को साथ में लेके निकलना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग बोल चुके हैं कि आप पर मतलब कुछ भी हो सकता है जी। इसलिए तो आपके जान को खतरा है, तो इस संदर्भ में आप अगर मान लीजिए थाना आपकी बात को नहीं सुन रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो बड़ी पदाधिकारी बाहर ASP सर को ऐसा आवेदन दिए हैं कि सर हम खतरे के माहौल में रह रहे हैं जी, सर आतंकित माहौल है हमारे जी, सर ऐसा आवेदन हो चुका है जी, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। आवेदन देने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। SDR भी आ चुका है 5 दिन पहले, लेकिन अभी तक साटा नहीं गया है। क्या परिचय हुआ आपका, नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। कौन सा जगह? ये साहबेगपुर है। यहीं पर हत्या की गई थी? जी हाँ, यहीं पर हत्या की गई थी। मेरे पिताजी का नाम
पिताजी का नाम उमेश कुमार हुआ जी। वो शायद दरोगा में थे ना जी, कस्टम विभाग में थे। कस्टम इंस्पेक्टर जी। हाँ सर, रिटायर्ड कस्टम जी। हाँ रिटायर्ड, आज से लगभग एक साल पहले रिटायर कर चुके थे। अच्छा,